ओम शांति। आज बाप दादा के 25 जून 1970 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। वो कौन सी भाषा है, क्या अंतर है, आइए आज के महावाक्यों से उनको हम समझें। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो? अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहां आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। ये है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से ये समझ सकते हो आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। यानी व्यक्त वतन में जो कि ये वतन है, इसमें तो हम साधारण भाषा बोलते हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन जो अव्यक्त वतन की भाषा वो इशारों की है और सारयुक्त है। तो बाबा कहते हैं वो एसेंसफुल है, सेकंड में समझ सकते हैं, और ये ऐसे हैं। आप इस पर कुछ कहेंगे? जैसा कि मुरली का हेडिंग है कि बाबा आज हमको व्यक्त वतन की और अव्यक्त वतन की भाषा का अंतर बताने आए हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि इस वतन में जब स्वयं बाबा भी आते हैं, एक तो साधारण संसारिक भाषा है, एक भाषा वो है जो हम अपने आश्रम में शुद्ध शब्दों की प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे भाषा में भी हम तो लौकिक भाषा बोलते अपने शरीर के द्वारा, लेकिन अव्यक्त बाबा जब एक दूसरे शरीर में आते हैं तो उनकी भाषा भी हमसे अलग होती है, क्योंकि उन आप देखेंगे अव्यक्त मुरली सुनेंगे तो उसमें इतनी ऊंची आवाज़ नहीं होती, बहुत स्लो स्पीड पे एक एक बात समझ में आ जाए, इस तरह की होती है, पर होती तो यहाँ की भाषा है ना। अब बाबा हमको इससे भी ऊपर ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा को भी अव्यक्त लोक निवासी बाबा को भी इस व्यक्त लोक में दूसरे शरीर का आधार लेकर बोलना पड़ता है। तो वो जो बोल रहे हैं जिसको हम नॉर्मली सूक्ष्म गिनते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ इससे भी अलग भाषा है, क्योंकि वहाँ इस लोक की भाषा है ही नहीं। तो फिर बाबा ने उसका बताया कि कैसी वो भाषा है कि एक शब्द अनेक प्रकार के सार को स्पष्ट कर देता है, और यहाँ उसके लिए काफ़ी शब्द बोलने पड़ते हैं। यद्यपि बाबा की अव्यक्त मुरली में कोई भी एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं होता, कम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, जैसा होता है अप्रोप्रिएट होता है। आप कोई भी अव्यक्त मुरली को सुनते हैं या पढ़ते हैं, और उसके एंड में जब बाबा समराइज़ करते हैं मुरली को, तो उसमें जितनी वो मुरली होती है उसका एक एक पैरे का एक एक लाइन में बाबा उसका बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उस अव्यक्त लोक में तो बहुत स्पष्ट भाषा है, और इतनी ज़बरदस्त है सूक्ष्म लोक की भाषा, आवाज़ तो उसमें होता ही नहीं सूक्ष्म लोक में, कि एक शब्द बहुत रहस्य युक्त होता है, यानी और भी समराइज किया हुआ होता है। जैसे कोई व्यक्ति फ़ोन पर बोलता है या लिख के टेलीग्राम भेजता है, फोनोग्राम, तो उसमें भाषा थोड़ी होती है लेकिन सारा भेद स्पष्ट होता है। अब आप इसको और अंडरस्टैंड हमको करना चाहें
और इसको हम स्पष्ट करना चाहें तो आज इस दुनिया की भी जो कलयुगी भाषा है और इस लोक में भी जब सतयुग था वहाँ की भाषा है उसमें भी महान अंतर है। ये कलयुगी भाषा में अनेक बहुत सारा बोल के जैसा जैसा व्यक्ति होता है जैसी जैसी उसकी स्थिति होती है थोड़ा सा स्पष्ट कर पाता है, फिर भी यहाँ काफ़ी बोलना पड़ता है। सतयुग में ऐसा नहीं है, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, प्रकृति सतो प्रधान है, अन्य आत्माएं भी सतोगुणी हैं, इसलिए वहाँ भी बहुत कम भाषा में पूरी बात समझाई जा सकती है। जिसको हम कहते हैं ना संकल्प सिद्धि, तो बोल सिद्धि भी वहाँ है, तो वहाँ भी यथार्थ बोल ही बोले जाते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी यथार्थ बोल है। अव्यक्त स्थिति के बोल तो जो शब्द हैं वो इतने वंडरफुल हैं, जैसे असेंसफुल हैं कि सतयुग के बोल को कहेंगे सेंसिबल, वो इतने असेंसफुल हैं एक शब्द में भी बहुत सारा रहस्य स्पष्ट हो जाता है, ये बाबा ने कहा। वहाँ पर इशारे, ऐसा है इशारा और चीज़ होती है, क्योंकि इशारा जैसे अब हम जिस दुनिया में हैं हम मुख से ना बोल करके हाथ से आँख से इशारा हाँ। करते हैं, वहाँ ये है कि जैसे हम सपने में देखते हैं ना, तो सपने में सिर्फ इशारे की बात नहीं होती, सपने में बोल रहे हैं आवाज़ नहीं होती, हमको सारा समझ आता है। इसी प्रकार से वहाँ शब्द हैं, लेकिन शब्द इतने सार युक्त हैं कि आपको बहुत सारा रहस्य पता लग जाता है। इशारे भी हैं, इशारा और चीज़ है। जैसे साइंस द्वारा कहाँ कहाँ बातें कहाँ कहाँ के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। तीन बातें देख रहे हैं वो कौन सी? हाँ, बाबा कह रहे हैं ना, इसको भी हम थोड़ा देखें कि विज्ञान के तौर पर दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है उसको वो अपने कैमरा द्वारा और अपने साउंड सिस्टम के द्वारा उसको कैप्चर करके और उसको आपके घर में कमरे में टीवी के द्वारा दिखा रहे हैं, और आपको इतना स्पष्ट लगता है, कई बारी तो लाइव टेलीकास्ट होता है, जो वहाँ हो रहा है जैसा वहाँ हो रहा है वो यहाँ आपको सुन रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है। मान लीजिए किसी खेल का मैच हो रहा है, उस खेल का फील्ड तो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन आपको वो कैमरा में कैप्चर करके उसकी आवाज़ हल्की से हल्की आवाज़ भी और उसके सारे सीन को यानी संक्षिप्त करके शॉर्ट करके क्लियर करके दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो स्पष्ट कर देते हैं आपको, तो क्या आप वो सूक्ष्म भाषा को कैप्चर नहीं कर सकते जो बाबा बोल रहा है, उसके भाव अर्थ को नहीं समझ सकते? बाप दादा आज यही देख रहे हैं हर एक कहाँ तक चेकर बना है और चेकर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड मेकर भी हो, पीस मेकर भी हो, लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। विशेष क्या चेक करना है, यही सर्विस अब रही हुई है जिससे नाम बाला होना है। अब इसमें बाबा ने बताया है, आज बाबा ये बातें देख रहे हैं। पहली बात तो बाबा कहते हैं चेकर, कि जो कुछ आप करते हो उसको आप अपने किए को चेक करते हो, क्योंकि बाबा ने कहा चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई बिजनेसमैन अपना अकाउंट ही नहीं शाम को चेक करता तो क्या होता है, उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे को घाटा पड़ रहा है या मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ये तो कर्मों की बात है, तो अपने कर्म बहुत सूक्ष्म हैं, इनके आधार पर हम अपना सौभाग्य जमा भी कर सकते हैं और अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो सौभाग्य खो भी सकते हैं। तब बाबा ने कहा कि चेकर होना बहुत आवश्यक है। तो बाबा हमारे को देख रहे हैं हम कहाँ तक चेकर बने, क्योंकि अगर चेकर बनेंगे
तो ही मेकर बनेंगे, चेक करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे ना, जहाँ जहाँ कमी है उसको भरेंगे, उसको करेक्शन में लाएंगे। फिर बाबा ने कहा मेकर क्या होता है, तो आमतौर पे लोग कहते हैं मेकर, पीस मेकर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुम लॉ मेकर हो, जो हमारे कर्म हैं, जो कुछ हमारा व्यवहार है उसके अंदर कुछ अमर्यादा युक्त है, उसको हम ठीक करके मर्यादा को सेट करते हैं। तो ये जो मर्यादा है यही सतयुग के लॉ हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई इस प्रकार का लॉ कोई गवर्नमेंट पास नहीं करती, लॉ के किताबें नहीं होती, वो लॉ लव में चेंज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो लव मेकर मैंने यथारथ, तो उसका बाबा कहता आप मेकर हो, जब ऐसा होता है तो पीस मेकर भी बन जाते हो। और फिर लॉ और पीस जहाँ होता है वहाँ पर अब न्यू वर्ल्ड, जो नई दुनिया बाबा बनाने आए हैं, दैवी दुनिया, उसके भी निमित्त बन जाते उसको बनाने के। तो तीन प्रकार के मेकर, लेकिन मेकर के लिए चेकर होना आवश्यक है। वो चेकर्स क्या चेक करते हैं? अडल्टरेशन, दुनिया के चेकर भी जो होते हैं वो क्या चेक करते हैं, और करप्शन। तो यही सर्वे सब रही हुई है। करप्शन और अडल्टरेशन करने वाले जो हैं उनके पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं तो अपना भेद बता नहीं देते हैं, इस रीति से पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ, तो वो देखने से ही अपनी करप्शन अडल्टरेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब ये सर्विस रही हुई है। हाँ, तो बाबा ने देखो कहा कि चेकर किस बात के, तो दुनिया के अंदर भी गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन बनाए होते हैं डिपार्टमेंट, जिसके इंस्पेक्टर वगैरह जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि यहाँ कोई एडल्ट्रेशन या करप्शन तो नहीं चल रहा। तो इंस्पेक्टर को देखते ही जो लोग ये कर रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं। इसी तरह बाबा कहता है आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के चेकर हो, तो आपको भी क्या देखना है कि समाज के अंदर जिस प्रकार का करप्शन है, अर्थात जो मूल्य जो हैं, मूल्यों की गिरावट के कारण जिस प्रकार की चरित्रहीनता फैल रही है, और इसी प्रकार के जिस तरह का अडल्ट्रेशन है, अर्थात परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में जो अनेक प्रकार की मिलावट करके अनेका अनेक बातें बताई जाती हैं, बाबा कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की तरफ से आप उसको चेक करो, अडल्ट्रेशन को भी चेक करो, करप्शन को भी चेक करो। तो ये बाबा कहते हैं आपका सेवा बची हुई है, क्योंकि जब ये करोगे तब पीस होगा, तब नई दुनिया होगी। अब ये सर्विस रही हुई है, एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना, अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तीसरी बात बाबा देख रहे हैं कि जितना हम चेकर और मेकर बने हुए हैं, आगे हमारी जो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है, तो सतयुग की दुनिया में जाके मर्यादा की दुनिया में उसी अनुसार हम रूलर बनेंगे। तो कहाँ तक चेकर मेकर रूलर बने हैं ये एक एक का देख रहे हैं। जब अपने को इन तीन रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन अडल्टरेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन अडल्टरेशन रह सकती है? ये नशा रहना चाहिए। हम इन तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं? यानी बाबा ने कहा जो चेकर है, जो लॉ मेकर है, वो लॉ ब्रेकर तो नहीं होता ना। इसी प्रकार के जो चेकिंग करने वाले हैं उनके अपने अंदर तो वो करप्शन और अडल्ट्रेशन नहीं रहनी चाहिए ना।
तो बाबा कहते हैं माया अगर उसमें मिक्स हो जाएगी तो कई प्रकार की करप्शन और एडल्ट्रेशन आ जाएगी। वो किस कई प्रकार से आती है, आप अपनी ड्यूटी नहीं ठीक तरह कर रहे हैं, जैसे कोई किसी को ड्यूटी मिले और उससे एब्सेंट हो जाए या लेट जाए, तो बाबा कहता है आपको इतने विश्व का सेवा करने की जिम्मेवारी है, संदेशा देने की, और आप कहो कि मैं आराम कर रहा हूँ, आलस्य आ जाए, ढीलापन आ जाए, ये भी तो एक प्रकार की करप्शन ही हो गई कि नहीं। फिर एडल्ट्रेशन है, तो बाबा कहता है जो बाबा ने क्लियर ज्ञान दिया हुआ है कि मैं निराकार परमात्मा ही सबका सदगति करने वाला हूँ, तो उसके साथ पूरा कनेक्शन ना रख के कोई भक्ति मार्ग का संस्कार डेवलप हो जाए कि जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान आपने सुना, आप उसी को ही मान्यता देने लग जाएं और परमात्मा से योग ना लगाएं, तो ये एडल्ट्रेशन भी हो गया। तो बाबा ने तो कहा जितने एडल्ट्रेशन करने वाले हैं सब झुक जाएंगे जब किसी की एडल्ट्रेशन पकड़ी जाती है। तो इस वक्त समाज में कितने मत मतांतर हैं, कितने प्रकार की पद्धतियां हैं, तो जब वो अपने आप को देखेंगे कि यहाँ हम गलत हैं तो अर्थात मन से झुकेंगे, तो बाबा कहता आप भी देखो आप कोई ऐसी तो नहीं काम कर रहे अमर्यादा युक्त जो आप कोई झुके हुए हो, तो झुके हुआ झुका कैसे सकता है, या तो व्यक्ति झुकने वाला बन सकता है या झुकाने वाला। रूलर्स जो होते हैं वो किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कब किसके अधीन हो नहीं सकते, फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे, जितना जो उदार चित्त बनता है उतना वो उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। अब बाबा ने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया है कि जब करप्शन फ्री होंगे स्वयं भी, एडल्ट्रेशन फ्री होंगे, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर रूलिंग पावर आएगी। तो रूलिंग जिस जो रूलर होता है वो किसी के गुलाम नहीं होता, अधीन नहीं होता, या तो व्यक्ति अधीन है या अधिकारी है। तो जो अधिकारी है वो अधीन नहीं हो सकता, तो जो अधिकारी होगा उस बाबा कहते उसके आगे कोई जो अधिकारी होगा क्या वो किसी के आगे झुक सकता है? नहीं। तो माया जो है वो अधिकारी के आगे आ सकती है। अगर आपने रूल जिसको बाबा कहते हैं मन जीते इंद्रियों को जीता हुआ है तो माया आपको झुका नहीं सकती, इसलिए बाबा कहता है ये चेक करो। उसमें बाबा ने साथ में कनेक्ट किया है, एक शब्द है उदार चित्त, हाँ, और दूसरा है उदाहरण स्वरूप। तो बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या होगी? उदार चित्त। उदार चित्त का मतलब होता है जेनरस, जेनरस का मतलब होता है बेहद बुद्धि, वो लिमिटेड नहीं होगा। जो उदार चित्त नहीं होता वो लिमिटेड होता है, वो पहले मेरा सोचता है, फिर मेरों का सोचता है, फिर तेरे मेरे में आता है। वो बिल्कुल राजा जो होता है, आप देखेंगे राजा की निशानी क्या होती, बहुत ब्रॉड माइंडेड लिबरल होता। तो बाबा कहते हैं नेचुरल है कि जो इस तरह की कंट्रोलिंग पावर रखता है वो उदार चित्त होगा, उसकी निशानी है, लिमिटेड नहीं होगा, इस प्रकार की हदों में नहीं जाएगा। फिर बाबा कहता है जो उदार चित्त होता है वो उदाहरण होता है। जब किसी जगह का कोई नाम लेते हैं तो वहाँ के राजा का ही लेते हैं ना, इसका राजा कौन है, तो उदाहरण होता है, यानी एग्जाम्पलरी उसका बिहेवियर होता है, अन्य के लिए भी उदाहरण होता है। उदार चित्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ है अधिकार सदैव याद रहे, फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। इसमें बाबा ने कहा था जब अधिकार की विस्मृति होती है तो अधीन होते हैं, याद रहे तो नहीं अधीन होंगे। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित्त रहने वाला उदाहरण भी बनता है और अनेकों का सहज ही
उद्धार भी कर सकता है। इसमें एक प्रश्न है, बाबा ने इसमें अधीन और उदाहरण के बीच में ये जो ब्रिज दिया उदारचित का, इसका एग्जैक्ट क्या प्रयोजन है? ऐसा है, उदारचित होता है देने वाला, ठीक है, और अधीन होता है जिसके अंदर कुछ ना किसी ना किसी चीज़ की लेने की, किसी की चीज़ की मदद की, किसी ना किसी चीज़ की डिपेंडेंसी होती है। तो जो व्यक्ति किसी ना किसी डिपेंडेंसी के अंदर है वो अधीन है। तो अधीन या तो व्यक्ति लेने वाला बन सकता है या देने वाला बन सकता है। तो जो अधीन है वो तो खुद लेना चाहता है, लेके अधीनता से छूटना चाहता है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज चाहता है। तो किसी न किसी प्रकार का बोझ, किसी न बंधन, किसी प्रकार का बॉन्डेज उसके अंदर है। तो बाबा कहता है कि उदार चित्त निशानी है कि आप अधीन नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा अधीनता को छोड़ना का निशानी है उदार चित्त। ऐसा नहीं कि उदार चित्त बन के कोई अधीनता को छोड़ सकता, नहीं, अधीनता को छोड़ना अधिकारी बनने से उदार चित्त बनता है। तो बाबा ने फिर कहा उदार चित्त उदाहरण मूर्त बनता है। अब बाबा ये कह रहे हैं उदार चित्त उदाहरण मूर्त भी बनता है और उधार भी कर सकता है दूसरे का, उद्धार तो उसको लिबरेट कर सकता है। क्योंकि जब खुद कोई लिबरेटर की एग्जांपल देखता है कि लिबरेटेड व्यक्ति है, कितना निर्बंधन है, कितना हल्का है, कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है इसको फील ही नहीं होती, पानी में लकीर की तरह चली जाती है, तो दूसरा भी उसको फॉलो करता है। तो उदाहरण से बाबा कहता है इतना सिंपल उसका लाइफस्टाइल अच्छा होता है कि दूसरे का भी उद्धार हो जाता है। जब कोई भी माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है, हर एक ने अपना सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है, आलस लाती है। आज की इस मुरली में बाबा ने सबसे ज्यादा खतरनाक आलस्य को बताया, कैसे आलस्य निमित्त बन जाता है बाबा से हाथ छुड़वाने में। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है, देहाभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं। जो उस समय स्टेप लेना चाहिए, यानी जो दवाई खानी है उस दवाई को लेने के लिए भी आलस्य करते हैं, जो आलस्य की दवाई है उसको खाने में भी आलस्य कर देते हैं, श्रीमत नहीं लेते। हाँ, फिर देहाभिमान बढ़ता है। हाँ, क्योंकि आलसी व्यक्ति क्लास मिस करेगा। मुरली जो अमृत की तरह है, आत्मा को सुरजीत करती है, संजीवनी बूटी है, उसको मिस करेगा, योग की क्लास मिस करेगा, अमृत वेला मिस करेगा, तो यो जितनी औषधियाँ हैं, जितने बचाव वाली चीज़ें हैं उसको मिस कर देगा। फिर देहभान आएगा और देहभान बढ़ेगा। और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है, आलस्य, सुस्ती तथा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। ये निशानियाँ हैं। वो अवॉइड करेगा, कंपनी में रहना पसंद नहीं करेगा, लोगों के साथ हिलना मिलना पसंद नहीं करेगा, किनारे किनारे रहेगा। कहते हैं ना, जो उदास है वो माया का दास है। उदासी आती इस प्रकार से है कि माया के जो अपने सिंबल्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो उदासी आती है। माया अभिमान में ले आती है। अभिमान वाला कुछ बात अभिमान से किसी को कह देता है, वो व्यक्ति उससे दूर हो जाता है, तो फिर सोचता है दूर हो गया तो उदासी आएगी। इसी प्रकार से माया लोभ में ले आती है, अब लोभ की सिद्धि नहीं हुई तो उदासी आ जाएगी। माया क्रोध में ले आती है, क्रोध से इतनी शक्ति का नाश हो जाता है तो अर्थात माया कहते हैं जो दास उदास है वो माया का दास है। तो उदासी, फिर सुस्ती और आलस्य, और इसके बाद फिर अलबेलापन आ जाता है। अर्थात ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं। तो बाबा ने कहा जो आलस्य है वो आपको ना आधार मूर्त बनने देता है, ना उधार मूर्त बनने देता है, ना एग्जाम्पल बनने देता है, और ना ही अधिकारी बनने देता है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से
दूर कर देती है, साकार संबंध में भी नहीं आने देगी, बुद्धि का योग नहीं लगेगा। और बाबा कहते हैं किसी दूसरे से सहयोग ले लें, उससे भी दूर कर क्योंकि देती कोई है। व्यक्ति मान लो क्लास हो रही है, क्लास में मुरली चल रही है, वो व्यक्ति अपने आलस्य के कारण मुरली में अटेंड नहीं करता, तो जो मुरली सुनने वालों को खुशी हो रही है, गोप कहते हैं गोप गोपियाँ नाच रहे हैं, रास मिला रहे हैं, अपने संस्कारों को शुद्ध कर रहे हैं, आत्मा उनकी हर्षित हो रही है, उससे वह वंचित होगा। जब उसके साथी क्लास से बाहर जाएंगे, उनकी खुशी को देखकर उसको उदासी आ जाती कि कुछ भी कहे, बहाना करे, लेकिन मैंने मिस किया, उसकी फीलिंग तो आती है ना। इसलिए आपकी कमाई घट जाए, दूसरा व्यक्ति आके हंसता हुआ कहे कि देखिए मैं इतना कमा के लाया हूँ, और उसके अंदर है कि मैं तो सुस्ती के कारण गया नहीं, मेरी कमाई रह गई, तो उदासी भी आएगी ना इस कारण। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार। देह अभिमान से अब देह अहंकार में आ जाते हैं, देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं, ज्ञानी तो आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर छठा विकार, ज्ञानी तो आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान, इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है, इस पर बहुत ध्यान देना है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। यानी पांच विकारों का जो गेट है वो छठा विकार है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं, बाबा मिसाल दे रहे हैं, चलो अब नहीं तो फिर कब ये कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई ये भी सोचते हैं कि अव्यक्त, कई ये भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, ये हो ही कैसे सकता है, यह तो अंत में होना है। ये भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो, कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है? नहीं, बाबा ने कहा आलस्य, और फिर बाबा ने कहा कि सुस्ती, तो आलस्य और सुस्ती में कुछ अंतर है? दो शब्द हैं तो ज़रूर अंतर ही होगा। आलस्य जो है, बाबा ने कहा, वो कई रूपों से प्रकट होता है, तो सुस्ती उसका प्रैक्टिकल रूप है कि किस किस रूप से प्रकट होता है। आलस तो मोटे रूप से हो गया ना, कहते हैं ये व्यक्ति आलसी है, या तो व्यक्ति उद्यमी है या आलसी है, या मंगसा में है या आलसल बेलेपन में, अब आलसी हो गया। तो आलसी फिर क्या क्या खोता है, किस किस विधि से उसका आलस प्रैक्टिकल रूप में आता है, वो बाबा ने बताया कि सुस्ती आती है। सुस्ती में क्या क्या आता है, मेंटल पहले मन जो है वो कई प्रकार का अपने को ही गलत लॉजिक लगाकर व्यक्ति को संतुष्ट कर देता है। जैसे बाबा ने बताया कि देखो अव्यक्त स्थिति है, 6-8 घंटा सारे दिन में अव्यक्त स्थिति तो बहुत मुश्किल है, ये तो अंत में आएगी, बाबा कहता है आई है। इसलिए ये क्या हुआ, मानसिक सुस्ती का रूप हो गया, मन में कुछ सोच अपना संकल्प करके और पहले मतलब ठंडे हो गए, ढीले हो गए। इसी प्रकार से बाबा ने और भी 2-4 प्रैक्टिकल एग्जाम कर लेंगे हो अभी जल्दी क्या है, क्या जल्दी पड़ी है, फिर तो दूसरे से कंपेयर करेंगे, वो भी तो मेरी तरह ही चल रहा है या उससे तो मैं अच्छा चल रहा हूँ, 6-8 घंटे अभी थोड़ी होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों का नाम सुस्ती है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, एक ये भी सुस्ती का अपने साथ लॉजिक लगाते हैं।
लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग वृत्ति में रहना है, ये भूल जाते हैं। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। पहले जरा सा घर करती है, यानी बाबा कहते हैं मैंने कब कहा कि घर गृहस्थी की पालना नहीं करनी, घर गृहस्थी की पालना तो करनी है। उधर संकल्प प्रधान हो जाता है भाई घर गृहस्थी की पालना तो करनी है, लेकिन जो उसका दूसरा भाग है किस तरीके से करनी है, वैराग वृत्ति धारण करके, न्यारे हो करके, ट्रस्टी होकर करनी है, वो भूल जाते हैं। तो क्या हुआ, फिर उसमें लग जाते हैं प्रवृत्ति की पालना बिना वैराग वृत्ति के। जैसे अपने को कर्म योगी कहते हैं तो कर्म तो करते रहते हैं, योग का हिस्सा भूल जाते हैं। ये भी एक तरीका है माया का आपको आलस की ओर ले जाने का। कहते हैं ना भाई, प्रवृत्ति का भी तो ध्यान रखना है, परमार्थ और स्वार्थ दोनों का बैलेंस रखना है। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति का ध्यान बल्कि आलसी व्यक्ति कम रखता है। जो उद्यमी होता है, जो ईश्वरी रास्ते पर चलता है, जिसकी बुद्धि विशाल होती है, उसकी परख शक्ति अच्छी होती है, तो परख करके वो थोड़े टाइम में सफलता पा लेता है। और जिसकी परख शक्ति ही डल हो गई, पहले जिसके इस तरह के संकल्प आए कि प्रवृत्ति का ध्यान रखना है, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने कितनी प्रवृत्ति का ध्यान रखा, तुम्हारे तो होगा 10-12 बच्चे, 50-60 लोगों का परिवार होगा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने तो लाखों का परिवार पालन किया, तो मेरी प्रवृत्ति नहीं थी। तो क्या मैंने प्रवृत्ति रखते हुए अपने आप को न्यारा नहीं रखा, लेकिन उस वक्त बुद्धि उस तरफ ले जाती है। मूल बात है वैराग वृत्ति में रह कर के करना, आधी बात बाबा कहते हैं याद रहती है और आधी जो है वो भूल जाते हैं। और दूसरा बड़ी कॉमन बात है स्वास्थ्य है, तो कहते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ये सब भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं हेल्थ का ख्याल रखो। बाबा कहते हैं उसके लिए जो भी नॉर्मल है करो। तो हेल्थ का ख्याल रखते समय विचार आएंगे कि संगम का युग है, ये मेरा शरीर बहुत अमूल्य है, इसमें चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे, यहाँ तक कि उधर क्लास हो रही होगी, उधर एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो बाबा ने क्या आगे पीछे नहीं कर सकते। इस प्रकार से किसी न किसी तरीके से माया फुसला देती है। यानी कोई भी बात अपनी पढ़ाई और उन्नति की कॉस्ट पे नहीं करनी। हाँ, वो आलस और सुस्ती करवा देती है, उस वक्त ना चश्मा बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, वो उसको लौकिकता प्रधान हो जाती है, अलौकिकता छिप जाती है। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप ले लेती है। अगर उसी समय ही उसको निकाल दें तो ज्यादा सामना न करना पड़े। तो अब ये चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में वह हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। हाँ, देखो ना, मेन बात यह है कि बाबा ने ढीले पुरुषार्थ, ठंडे पुरुषार्थ, आलसियों की हमें परिभाषा इसलिए बताई है कि हम तीव्र प्रसाद में रास्ते में किस किस तरह के सूक्ष्म रुकावटें आती हैं उसको हम समझ सकें। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। कई ये भी सोचते हैं फिक्स सीट सी कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे। इतना ही ठीक है, ये भी सुस्ती का रूप है। इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है, तभी लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे। अब जैसे बाबा ने कहा हुआ है सुबह आप उठो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, फिर अपना बिस्तर छोड़ दो। अब हमने देखा है, अनुभव करके भी देखा है, अगर कोई व्यक्ति उठता है और देखता है कि अभी 10-15-20 मिनट पड़े हो, तो वो कहता है अच्छा थोड़ा बिस्तर में ही बाबा को याद कर लूँ, तो वो माया उसको सलाह देती है। फिर जब योग का टाइम पूरा होगा उसके बाद जागेगा। अगर बाबा की श्रीमत पे इतना ही चल दे, उठते सार मैंने बिस्तर छोड़ देना है, तो उसका वो आलस सुस्ती वगैरह भाग जाएगी
और उसका ये पक्का अनुभव होगा कि बिस्तर पर बैठे हुए ऐसा संकल्प किया तो माया निंद्रा में एक सीट लेगी, और बिस्तर का छोर पर आ गए तो आपको फौरन आप एक्टिव हो जाएंगे, चुस्त हो जाएंगे। तो न्यू वर्ल्ड के मेकर्स तब ही बन सकते हैं, पहले स्वयं कोई न्यू नहीं बनाएंगे। हाँ। तो न्यू वर्ल्ड के मेकर कैसे बनेंगे? रॉ मटेरियल भी तो न्यू चाहिए ना उसके लिए, पहले तो खुद को बनाना है, मिस्त्री भी नया चाहिए। हाँ। और बाबा ने सारी पढ़ाई का सार हम बच्चों को यही बताया है, नवीनता, कि दूसरों के ऊपर बाद में ऑपरेट करो, पहले अपने ऊपर करो, खुद अनुभवी बनो, और अनुभवी बन करके तब दूसरों को बताओ, तभी उसका प्रभाव पड़ सकता है। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो? जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे, तब तक वहाँ सीट्स फिक्स नहीं होंगी। अब बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगे? क्योंकि बाबा कहता है ना कि ढीला हुआ कि अच्छा वहाँ तो इतनी सीटें हैं, ये उसको मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकूँगा। तो बाबा कह, ये तो तीव्र प्रसारित की निशानी नहीं है। तो तीव्रता लाने के लिए बाबा ने सारी बात बताई है। अब पूछ रहे हैं कि ये तीव्रता कब लाओगे? बाबा ने कहा, म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं, वो अपने लिए भी तो याद रखो। कब कर लेंगे ऐसा ना सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। यानी तीव्रता जो बाबा ज्ञान सुना रहा है, इसको भी इम्प्लीमेंट करने में आलस आ जाता है। अच्छा बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया है, कल से शुरू करेंगे। बाबा कहते हैं आलस यहाँ ही तुमको परे ले जाएगा, हाथ छुड़वा देता। हाँ। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी, और फिर सहयोग भी मिलेगा। ये बाबा युक्ति बता रहे हैं कि कोई भी पुरुषार्थ करते हो तो उसमें दृढ़ता कैसे लाओ, एक दृढ़ निश्चय होकर के प्रतिज्ञा करो, ये मुझे करना ही है। पहले बाबा दृढ़ संकल्प कहते थे, अब बाबा ने प्रतिज्ञा कहा है। जब किसी चीज़ को पूरा करना ही होता है तो व्यक्ति प्रण या प्रतिज्ञा कर लेता है कि मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए, तो फिर उसमें सफलता आती है। आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं। सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है। स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है। एक एक ऐसे स्नेही हैं। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। यानी बाबा ने कहा ना कि बाबा जो है वो अव्यक्त हैं, अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, तो उनको तो पक्का हर वक्त ये रहता है ना, उनकी तो स्मृति है ही है कि मैं यहाँ ये पाठ करने आया हूँ, हूँ मैं अव्यक्त, तो फर्क पड़ जाता। और बाबा ने कहा ना बहुत समय के संस्कार। हाँ, तो हमको भी, क्योंकि बाबा तो है ही अव्यक्त, तो आएगा जाएगा अव्यक्त स्थिति में ही रहता है, हमको भी बहुत समय के अगर अव्यक्त के संस्कार होंगे हैं, तो तब बाबा कहते, शुरू बाबा ने किया था ना, 6-8 घंटे भी अव्यक्त में रहना बच्चे समझते हैं कठिन है, ये लास्ट में होगा। तो अव्यक्त बनने के संस्कार बहुत समय के नहीं होंगे, फिर तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकेंगे। बाबा ने कहा, आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है, ये प्रैक्टिस करनी है, समझा? बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। नहीं, बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को भी ऐसे अव्यक्त रूप में जाना है और अव्यक्त रूप से कारोबार चलानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं ड्रिल कराता हूँ, आप देखेंगे
पिछले कई वर्षों में बाबा ने स्वयं अवतरित होकर बच्चों को ड्रिल करवाई है। वैसे तो बाबा कह देते थे कि तुम ऐसे करना, सामने बिठाकर ड्रिल करवाई है। इसको बाबा इतना महत्व देते हैं कि व्यक्त से व्यक्त होने की अभ्यास हो जाए बच्चों को, क्योंकि उनका मन जो है व्यक्त में बहुत समय रहा है तो व्यक्त में इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए बाबा ने हमें अपने सूक्ष्म रूप को धारण करने की, थोड़े समय के लिए अपने निराकारी रूप को धारण करने की, फिर अपने सतयुगी देवता रूप को धारण करने की, फिर बाबा कहते ये संगम युग जो अब का है, जिसमें मर जीवा हैं, लौकिक से अलौकिक हुए हैं, बुद्धि योग से न्यारे रहकर कर्म करते, फिर इसकी, फिर बाबा कहता है कि माउंट आबू की भी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति होता है ना, मैं कहाँ का हूँ, तो अगर वो यहाँ इस दुनिया का समझेंगे या अपने देश को, प्रांत को, भाषा को, आदि को, पद को समझेंगे, तो फिर उसमें भी फिक्स हो लिमिटेड हो जाएंगे, उदार चित्त तो नहीं रहेंगे। इसलिए माउंट आबू की अपने, ये हमारा जन्म स्थान है, आध्यात्मिक हमारा बर्थ प्लेस है, इस तरह की स्मृतियों में मन को घुमाएंगे, रेगुलरली अभ्यास करेंगे, तो फिर वो व्यक्त से अव्यक्त होने की स्थिति आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी डेस्टिनेशन बाबा बताते हैं वो सारी अव्यक्त हैं। फर्दर बाबा ने कहा, बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरादेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। क्योंकि व्यक्ति अगर लौकिक में ही रहेगा, इसी जन्म का ही सोचेगा, तो उसकी बहुत लिमिटेड बुद्धि रहेगी। अगर अपना सुदर्शन चक्कर घुमाएगा, सतयुग त्रेता कलयुग संगम में मैं कैसे कैसे गया, तो उसकी बुद्धि विशाल होगी, तो फिर दूरादेशी होने के कारण उसकी परख शक्ति भी बढ़ेगी। वो लिमिटेड एंगल से नहीं देखेगा। तो ये बाबा ने हमें फराक दिल होने की विधि बताई है, क्योंकि आगे चल कर के ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरादेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए, इसलिए ये ड्रिल करा रहे हैं। फिर पावरफुल हो जाएंगे, ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो ये बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। ये चीज है, जैसे बाबा कहते एक्सरसाइज से शरीर ठीक होता है, ये मानसिक एक्सरसाइज है। और मानो का दूरादेशी बुद्धि, तो दूरादेशी का यही अर्थ है ना, कि अगर व्यक्ति ये स्पिरिचुअल ड्रिल नहीं करता, ये सारी अव्यक्त स्थितियाँ हैं और हमारी स्थितियाँ हैं। हम परम धाम में थे, फिर हम दैवी दुनिया में आए, 2500 वर्ष वहाँ रहे, फिर बाबा कहते हैं तुम संगम पर आए, ये जो मोस्ट प्रेशियस युग है अलौकिक जीवन का है, इसका कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना छोटा युग है। फिर बाबा कहते हैं यहाँ ही तुम व्यक्त से अव्यक्त बनने का अभ्यास करके सूक्ष्म लोक में जाते हो, लेकिन काफ़ी अभ्यास करके ही जाओगे, वहाँ से तुम परम धाम जाते हो। तो ये जो स्पिरिचुअल ड्रिल है, ये तीनों कालों का आपको दर्शन कराती है, तो आपको दूरदर्शी बनाती है, क्योंकि जीवन का एम ऑब्जेक्ट फिर इस जन्म से संबंधित नहीं रहता। अगर दूरदर्शी नहीं होगा तो इसी दुनिया में सोचेगा ना, मैं बुढ़ापे में क्या करूँगा, मेरा ये क्या होगा, यहाँ के लिए धन इकट्ठा कर लूँ, वो तो लिमिटेड है। तब बाबा ने कहा, जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है, प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स, प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब बाबा कहते हैं ना, सीट फिक्स करने से बाबा का भावार्थ क्या है? एम ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, पुरुषार्थ करता है, एफर्ट करता है, उसका कोई एम ऑब्जेक्ट होता है ना। उदाहरण के अर्थ, जैसे दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले अपना एम ऑब्जेक्ट फिक्स करता है, फिर उसी अनुसार पढ़ाई पढ़ता है कि नहीं। अगर उसका एम ऑब्जेक्ट ही ना हो, जो बनना होगा बन जाऊंगा, फिर तो नहीं कर सकता ना। तो अपने मन में अपने लिए लक्ष्य फिक्स करते हैं ना। बाबा तो कहते हैं ऊँचे से ऊँचा लक्ष्य फिक्स करो, फिर उसके ऊपर चलो। और प्रोग्राम और प्रोग्रेस जो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा पहले प्रतिज्ञा करो, फिर उसका प्रोग्राम बनाओ,
क्योंकि उसके अनुसार फिर उसमें अपनी प्रोग्रेस को देखो कि क्या प्रोग्राम के अनुसार मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, ढीला तो नहीं चल रहा, उससे बेटर ही चल रहा है, और फिर जब हो जाएगा फिर उसका रिजल्ट देखो। अब फिक्स करना सीखो, अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वो फिर सबूत भी देता है, अभी बनाने का सबूत देना है, बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। बाबा ने कहा ना कि प्रूफ क्या है, तो स्टूडेंट शोज टीचर कहा जाता है, सन शोज फादर कहा जाता है, फॉलोअर शोध गुरु कहा जाता है। अब आपने बनाने का कार्य करना है, जितना बने हुए होंगे उतना बनाएंगे। तो बाबा ने क्लियर किया है कि अपनी चेकिंग करेंगे तो अपने चेकर बनेंगे, तो अन्य की भी चेकिंग कर सकेंगे, उनको भी समझ में आएगा हम कुछ गलत कर रहे हैं। खुद मेकर बनेंगे तो उसके वो भी मेकर बनेंगे, इससे नई दुनिया की स्थापना होगी। तो बाबा कहता है अब आपको बनाने का काम करना है, वो रहा हुआ। ये थी बाबा की आज 25 जून 1970 की मुरली। और बाबा ने आज जो हम बच्चों को इशारा दिया है कि बच्चे सबसे बड़ा दुश्मन तीव्र पुरुषार्थी का आलस्य है, जो भिन्न भिन्न रूपों से आता है। हम सब ने ये बात चेक करनी है, कहीं अपने अंदर इस प्रकार के संकल्प वे तो वास नहीं कर रहे हैं। यदि ये संकल्प वास करेंगे तो ये हमें हमारी प्रोग्रेस से दूर कर देंगे, और न केवल प्रोग्रेस दूर होगी परंतु जो अपनी सीट है उससे भी हम बहुत दूर हो जाएंगे। वो सुख जो संगम युग का है उसको पाने से भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए आलस्य को, बेशक वो छठे नंबर का विकार है, लेकिन एक प्रकार का ये वह दरवाज़ा है जिसके माध्यम से देह अभिमान, देह अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इससे सावधान रहना है, जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप सुस्ती का भी होता है, और सुस्ती बाबा ने बताया है कितनी खतरनाक है। इस पर हम सब ध्यान देंगे। ओम शांति।